चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए डांडिया कैसे डेकोरेट करते हैं ये लाया जाए, एंड प्लस आज हम लोग बॉटल भी डेकोरेट करने वाले हैं। कोई भी जैम बॉटल या फिर आपके यहाँ कोई भी वेस्ट बॉटल पड़ा रहता है तो उससे हम लोग इसे डेकोरेट करेंगे। सो गाइस, बेसिकली पहले हम लोग डांडिया को डेकोरेट करेंगे एंड ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, और या गाइस इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं था, जो भी था आप कमेंट में बोल दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, बेसिकली अब हम लोग डांडिया को डेकोरेट करने वाले हैं, तो डांडिया को डेकोरेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली चाहिए होगा डांडिया। सो गाइस, ये हमने वो जो डांडिया आते हैं वो हमने नहीं लिया है, ये हमने लिया है जैसे वुड होता है, लकड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमने उसको ऐसे एक बार टेप से किया था, बिकॉज यू नो एनुअल फंक्शन या कुछ था तो हमने इसे टेप से किया था, बट ये कोई ओरिजिनल डांडिया नहीं है, ये हमने कुछ ऐसे लकड़ी से किया था, वुड से, ये क्योंकि ये अनइवन है इस साइड से। सो ये एंड देन आपको चाहिए होगा डांडिया फॉर ऑब्वियस। सो गाइस, आप ऐसे ही ऐसे कटे पुराने कपड़े जो भी आपको यू नो लेफ्ट ओवर क्लोथ होते हैं, ये इस टाइप के कपड़े, सो आप लोग ये जो ऐसे यू नो बहुत ही वेस्ट टाइप के कपड़े होते हैं उन सब से आप ऐसे डांडियाज को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसे डेकोरेट करेंगे। सो गाइस, बेसिकली अभी हम लोग इसे इसको कवर करेंगे, जो हमारा वेस्ट क्लोथ है इसको हम डांडिया पे कवर करेंगे। सो गाइस, बेसिकली अभी आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो आपका ऊपर ये जो थोड़ा गोल्डन शाइन पार्ट है ये ऊपर रहे, एंड ये जो प्लेन वाला पार्ट है वो नीचे रहे, एंड देन आपको इसे टाइटली ऐसे करना है, एंड आपको गाइस ऐसे नीचे लेते जाना है, ऐसे कर लिया है, आप ऐसे कर सकते हैं, एंड देन गाइस ये जो नीचे वाला पार्ट है अभी हम इसे हॉट ग्लू गन से इसे स्टिक करेंगे, एंड देन हम आपको मिलते हैं। सो गाइस, बेसिकली हमारे दोनों डांडिया तैयार हो गए हैं, रैप कर दिए हैं हमने, एंड अभी हम लोग इसके नीचे का ना हॉट ग्लू गन से चिपकाएंगे। सो गाइस, बेसिकली अभी हम लोग ये ग्लू गन से स्टिक करेंगे हम इसे। एंड अब गाइस हम लोग जो नेक्स्ट डांडिया उसे भी स्टिक करेंगे। तो गाइस ये हमने ये वाली स्टिक भी कुछ ऐसा चिपका दी है। सो गाइस, अभी हम लोग पॉम पॉम भी स्टिक। सो गाइस, ये कुछ ऐसा स्टिक हो चुका है। अब गाइस हम लोग लेंगे द नेक्स्ट स्टिक और उसमें हम लोग स्टिक कर। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉम पॉम लेंगे। सो गाइस, कुछ ऐसे हमारी ये दोनों डांडिया तैयार हो चुके हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ में टू कलर के पॉम पॉम लगा दिए हैं। सो गाइस, अब जो मैं हम लोग नेक्स्ट डेकोरेट करने जा रहे हैं वो है ये बॉटल। सो बेसिकली जैम का बॉटल या फिर कोई भी बॉटल आप लोग के पास ऐसे वेस्ट सा पड़ा रहता है तो क्यों ना उसे अच्छे से डेकोरेट किया जाए। तो ये है गाइस, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगा। आप अपने टेबल पर ऐसे कुछ भी इसमें डालकर रख सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी ड्राई फ्रूट या फिर कुछ भी। सो गाइस, अब डेकोरेट करने के लिए हम लोग क्लॉथ लगाकर ऐसे स्टिक करेंगे। So yeah guys, abhi hum log close laga ke stick karenge. So guys, think I try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking, and I need more of a show right now. It's time that you made your mind up. Cause they... एक तरफ का चिपका दिया, अब मैं दूसरी तरफ का चिपकाऊंगी।
चिपक चुका है। सो गाइस, अभी हम लोग इसके ऊपर भी ये क्लोथ स्टिक करेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। सो गाइस, बेसिकली हमने ऐसे जो क्लोथ है उसे इसके कैप के ऊपर हमने ऐसे स्टिक कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे, इस ऊपर वाले कैप को। सो इसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग ये वाला फ्लावर लगाएंगे। सो या गाइस, सो गाइज, ये मैंने ये फ्लावर कुछ इस तरीके से लगा दिया और ये बहुत ही प्रीटी लग रहा है। सो गाइज, अभी मैं इसे थोड़े ये जो ग्लिटरी टेप्स आते हैं उनसे मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। सो गाइज, अभी हमने इस जार को कुछ ऐसे टेप से डेकोरेट कर दिया है, एंड देन हमने इसका जो ऊपर का ग्लास है वो भी डेकोरेट कर दिया है। एंड ये देखिए गाइस, ये आप खोल कर इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा आपकी मर्जी हो। सो गाइस, आप इसे एज ड्राई फ्रूट कीपर रख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें ड्राई फ्रूट फिल करके एंड देन इसे बंद करके ऐसे टेबल पे सजा सकते हैं, या फिर आपको जहाँ भी रखना है, या फिर आप इसे एज अ पेन स्टैंड भी बना सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप, ऐसे आप इसमें पेन्स डालकर, सो मैं आपको लास्ट में उसका क्लोजअप दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। सो या गाइस, हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।